नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राव एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम राजस्थान इतिहास की पिछली क्लास में हमने रणथंभौर के चौहानों के बारे में बात की थी। आज इस क्लास में हम जालौर के चौहानों के बारे में बात करेंगे, यानी आज हमारी इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जालौर के चौहान। जालौर का जो चौहान राजवंश है उनके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने रणथंभौर के चौहानों के बारे में बात की थी। आइए शुरू करते हैं जालौर के चौहान राजवंश के बारे में बात करना कि जालौर का जो चौहान राजवंश है। इससे पहले एक बार बात जालौर की कर लेते हैं कि जालौर का जो प्राचीन नाम है, जालौर का जो प्राचीन नाम है वो है जबालीपुर। जालौर का प्राचीन नाम क्या है? तो वो जालौर का प्राचीन नाम है जबालीपुर। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम जालौर क्यों पड़ा, इसके बारे में कहा जाता है। दो बातें हैं इसके नाम जालौर के संबंध में कि इसका नाम जालौर क्यों पड़ा, इसके संबंध में क्या कहा जाता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जाल के वृक्षों की अधिकता थी, जाल के वृक्षों की अधिकता थी, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, जालौर कहते हैं। एक मत। इसके अलावा कहा जाता है कि ये जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी। ये कौन से ऋषि की? तो जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी, इस वजह से इसको जालौर कहा जाता था। तीन बातें बताई है मैंने अब तक कि जालौर का प्राचीन नाम जबालीपुर था। इसके अलावा मैंने कहा कि जालौर की जाल के वृक्षों की अधिकता होने की वजह से इसे जालौर कहते थे और जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको जालौर कहते थे। इसके अलावा बात करें जालौर दुर्ग के बारे में, तो जालौर दुर्ग का जो निर्माण है वो जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? तो गुर्जर प्रतिहार शासक हुए थे, उन गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा जालौर दुर्ग का निर्माण। नागभट्ट का नाम आता है कि नागभट्ट ने इस जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस जालौर दुर्ग को सोनगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोनगढ़ कहते हैं। साथ ही इस दुर्ग को सुवर्णगिरी भी कहते हैं, यानी इस दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं और इस दुर्ग को सोनगढ़ कहा जाता है। एक मत अलग से याद रख लेना कि इस दुर्ग को सवर्णगिरी यानी सुवर्णगिरी तो कहते हैं जालौर दुर्ग को, लेकिन कभी पूछ लिया जाए कि सवर्णगिरी जो है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो बताना कि सवर्णगिरी है वो तो जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। कौन से दुर्ग को कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग को सवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा अगली बात ध्यान से देखना, और वो अगली बात क्या है, वो ये है कि याद रखना सोनगढ़ होने की वजह से यहां जो भी चौहान शासन करते हैं ना, उन चौहानों को क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान कहते हैं। हम जालौर के चौहान पढ़ रहे हैं, मैं ये सामान्य बातें बता रहा हूं इस जालौर और जालौर दुर्ग के संबंध में। मैंने कहा कि जो चौहान है वो यहां के चौहान क्या कहलाते हैं? सोनगरा। अब आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग काफी बार कहते हैं, बोला नहीं सर सिरोही के चौहानों को क्या कहा जाता है? सोनगरा चौहान। अरे बावड़े, सिरोही के जो चौहान थे ना वो जालौर से गए थे। सिरोही के चौहान कहाँ से गए थे? जालौर से गए थे। इस वजह से सिरोही के चौहानों को भी सोनगरा कहते हैं और जालौर के चौहानों को भी क्या कहा जाता है? सोनगरा कहा जाता है। तो जालौर और जो सिरोही दोनों ही जगह के चौहान क्या कहलाते हैं? सोनगरा चौहान कहलाते हैं। सोनगढ़ इस दुर्ग का उपनाम, एक सुवर्णगिरी है, सवर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग का नाम है। यहाँ गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। जाबाली ऋषि की तपोभूमि और जाल के वृक्षों की अधिकता होने की वजह से इसे जालौर कहा जाता है और प्राचीन नाम है जबालीपुर। इस जालौर में प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों ने ही शासन किया था। प्रारंभ में किसने शासन किया? तो गुर्जर प्रतिहारों ने। और उसके बाद यहां कौन आए हैं? चौहान आए हैं, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार इसके बाद कहां चले जाते हैं? तो वो कन्नौज चले जाते हैं। यानी प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया, वो गुर्जर प्रतिहार चले गए कन्नौज, और उसके बाद यहां जालौर में किसने शासन किया है? चौहानों ने। ये मैंने जालौर के और जालौर दुर्ग के बारे में और जालौर में कौन से राजवंश ने शासन किया इसके बारे में बात की। आज हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो है जालौर का चौहान वंश, और जालौर के चौहान वंश में मैंने इतनी सारी बताई कि इसका प्राचीन नाम जाबालीपुर है। साथ ही मैंने कहा कि जाल के वृक्षों के
दिखता और जावाले ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको जालोर कहते हैं। साथ ही मैंने बताया कि जालोर जो है इसका जालोर दुर्ग जो है इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा नाम मिलता है, नागभट्ट ने इसका निर्माण करवाया था। सोनगढ़ और सुवर्णगिरी कहा जाता है, स्वर्णगिरी है वो जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। जालोर में जिन चौहानों ने शासन किया वो सोनगरा चौहान थे और सिरोही के चौहान भी जालोर से गए हुए थे, इस वजह से सिरोही के चौहानों को भी क्या कहते हैं, सोनगरा चौहान कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार जो है यहां पहले शासन करते हैं जालोर में, फिर वो कन्नौज चले गए और यहां पे शासन कौन करते हैं, चौहान करते हैं। इसी वंश के बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं अगले बिंदु की तरफ, हमारा टॉपिक जालोर के चौहान। जालोर के चौहान और जालोर के चौहानों की बात करें तो याद रखना जालोर में चौहान वंश का संस्थापक, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो देखना भी एक शाखा थी चौहानोल की, कौन सी, नाडोल के चौहान। और नाडोल में एक चौहान शासक था जिसका नाम था अल्लन, और अल्लन के एक बेटा था जिसका नाम था कीर्तिपाल, और उसी कीर्तिपाल चौहान ने यहाँ चौहान वंश की क्या की है, स्थापना की है। तो जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल चौहान। जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने की है। जो नाडोल के चौहान शासक अल्लन का बेटा है, इसका सीधा सा मतलब ये कि जालोर के चौहान कहां से आए हुए थे, तो नाडोल से आए हुए थे, क्योंकि नाडोल के ही चौहान शासक अल्लन के बेटे कीर्तिपाल ने यहां चौहान वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। याद रखना इस कीर्तिपाल चौहान को मोहनौत नैणसी ने, किसके द्वारा, मोहनौत नैणसी के द्वारा कीतु एक महान राजा की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि, कीतु एक महान राजा की उपाधि, महान राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो याद रखना कीर्तिपाल चौहान को ये उपाधि मोहनौत नैणसी के द्वारा। तो कीर्तिपाल चौहान को मोहनौत नैणसी ने कीतु एक महान राजा कहा है, तो कीतु एक महान राजा कहने का काम इसी ने किया है कीर्तिपाल चौहान को। साथ ही इस कीर्तिपाल चौहान को मकराना अभिलेख में, कौन सा अभिलेख है, ध्यान से देखना, मकराना अभिलेख में इसको शैव धर्म का संरक्षक कहा गया है, शैव धर्म का संरक्षक। तो शैव धर्म का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो याद रखना तो वो किसको कहते हैं, कीर्तिपाल चौहान को। कौन से अभिलेख में कहा गया है, मकराना अभिलेख में कहा गया है। साथ ही इस कीर्तिपाल चौहान ने जालोर के अंदर, कहां पर है, जालोर के अंदर है जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, जांगलेश्वर महादेव का मंदिर। तो जांगलेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनवाया, तो याद रखना वो कीर्तिपाल चौहान ने। जांगलेश्वर महादेव का मंदिर कीर्तिपाल चौहान के द्वारा बनवाया गया है, कहां पर, जालोर के अंदर। मकराना अभिलेख में इसे शैव धर्म का संरक्षक कहा गया है, और मोहनौत नैणसी ने इस कीर्तिपाल चौहान को कीतु एक महान राजा की उपाधि दी। इसी ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की है, जो नाडोल के चौहान शासक अल्लन का बेटा था। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये कौन था, कहां से आया हुआ था, कि तू एक महान राजा किसने कहा, शैव धर्म का संरक्षक कहा गया कौन सी जगह पर कहा गया है, और इसने जांगलेश्वर महादेव का मंदिर कौन सी जगह पर बनवाया है। आइए चलते हैं इसके आगे की बात करते हैं। जालोर का चौहान वंश, जालोर के चौहान, इसी के बारे में बात करेंगे, जालोर के चौहान वंश के बारे में। मैंने एक व्यक्ति बता दिया कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई, उससे जुड़ी हुई थी, वो सारी बातें बता दी। इसके बाद इस समय यहाँ के कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। एक शासक याद रखना कौन है, समर सिंह। एक शासक का क्या नाम है, समर सिंह। फिर एक शासक का नाम याद रखना, उदय सिंह चौहान, उदय सिंह चौहान। और फिर एक शासक का नाम याद रखना, चाचिक देव। क्या नाम है शासक का, चाचिक देव। और चाचिक देव के साथ एक नाम याद रखना भाई, अगला शासक है सामंत सिंह, सामंत सिंह। इन चार शासकों के बारे में, जालोर के चौहानों में एक शासक मैं पहले बता चुका हूं कौन सा, कीर्तिपाल चौहान यहां के चौहानों का संस्थापक है। उसने 1182 में चौहान वंश की स्थापना की थी यहां पे, ये बात जरूर याद रखना। उसके बाद अगले शासक के बारे में बात करें, समर सिंह के बारे में। समर सिंह की एक बात जो विशेष है याद रखना, जालोर दुर्ग के परकोटे का निर्माण, जालोर दुर्ग के परकोटे का निर्माण, दुर्ग के
परकोटे का निर्माण समर सिंह के द्वारा करवाया गया था। जालोर दुर्ग के परकोटे का निर्माण समर सिंह चौहान के द्वारा करवाया गया, जो जालोर का चौहान शासक है। इसके बाद इस समर सिंह में एक बात और याद रखना, इसने परकोटे का निर्माण करवाया है। इसके अलावा इसने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह, इसकी पुत्री का नाम क्या है, वो लीलावती है, और इसने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह कर दिया गुजरात के अंदर। और गुजरात में वंश था कौन सा, चालुक्य, और चालुक्य वंश का शासक कौन है, भीमदित्य। इस भीमदित्य के साथ इसने अपनी पुत्री लीलावती का क्या कर दिया है, विवाह कर दिया। इतनी बातें इस समर सिंह चौहान की याद रखनी है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगला चौहान शासक समर सिंह है, जिसने जालोर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था और अपनी पुत्री लीलावती का जो विवाह है वो किसके साथ कर दिया, तो गुजरात के चालुक्य शासक भीमदित्य के साथ कर दिया। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आई होगी समर सिंह चौहान की। इससे आगे की बात करते हैं कि और कौन सी बात विशेष है इसके बारे में, तो याद रखना अगला शासक है उदय सिंह चौहान। उदय सिंह चौहान की जानकारी का स्रोत बता दूं एक तो, कि उदय सिंह चौहान की जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है, तो उदय सिंह चौहान की जानकारी का जो स्रोत है वो सुंदा माता का अभिलेख है, यानी सुंदा माता शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है भाई किसकी, उदय सिंह चौहान की। इसके बाद उदय सिंह चौहान से याद रखना, इसी के समय 1228 में, इसी के समय कब की बात है, 1228 में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने असफल आक्रमण किया, यानी इल्तुतमिश ने असफल आक्रमण किया 1228 में, किसके समय, उदय सिंह के समय। साथ ही याद रखना उदय सिंह की पोती का नाम, उदय सिंह की जो थी पोती उसका नाम था रूपा देवी, और इस रूपा देवी का विवाह कर दिया कहां पर, मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत का शासक उन दिनों हुआ करता था जैतर सिंह, और जैतर सिंह के बेटे का नाम था तेज सिंह। इसी जैतर सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ विवाह कर दिया गया किसका, रूपा देवी का। ये रूपा देवी किसकी पोती है, तो उदय सिंह चौहान की पोती है। यही तीन बातें याद रखनी है कि उदय सिंह चौहान की जानकारी हमें सुंदा माता के शिलालेख से मिलती है। इसके समय 1228 में इल्तुतमिश ने यहां पे असफल आक्रमण किया जालोर के ऊपर उदय सिंह के समय। साथ ही इसकी पोती का नाम रूपा देवी था, जिसका विवाह मेवाड़ के जैतर सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ किया गया था। इसके बाद अगले शासक के बारे में बात करते हैं कि चाचिक देव की क्या विशेष बात है, तो इसके समय एक भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, यह विशेष बात है। इसके समय एक भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था, यही बात याद रखनी है बस, नहीं हुआ, तो इसके समय एक भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। अब बात करते हैं किसके बारे में, समर सिंह के बारे में। याद रखना समर सिंह की क्या, सॉरी सामन सिंह की क्या विशेष बात है, तो इसके समय दिल्ली सल्तनत का शासक था बलबन, और बलबन के सेनापति का नाम था नूर मोहम्मद। बलबन के सेनापति का क्या नाम है, नूर मोहम्मद। इसने आक्रमण किया जालोर के ऊपर, लेकिन वो कैसा आक्रमण था, असफल आक्रमण था, यही बात याद रखनी है। कि जालोर के चौहान शासक सामंत सिंह के समय, जालोर के चौहान शासक सामंत सिंह के समय दिल्ली सल्तनत का शासक बलबन और बलबन के सेनापति नूर मोहम्मद ने जालोर के ऊपर असफल आक्रमण किया था, ये विशेष बात है। इसके अलावा सामंत सिंह की और विशेष बात, इसने अपने जीते जी, काम की बात है अच्छे से याद रखना, इसने अपने जीते जी अपना साम्राज्य अपने बेटे कानड़ दे को सौंप दिया, अपने बेटे कानड़ दे को सौंप दिया। और ये शासक कब तक था, 1305, याद रख लेना। तेर सामंत सिंह जो है इसने अपने जीते जी ही अपना साम्राज्य किसको सौंप दिया, तो अपने बेटे कानड़ दे को सौंप दिया। काम की बातें बताइए मैंने बोर्ड पे, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान के बाद निम्न शासकों के बारे में बताया, जालोर के चौहानों में एक शासक हुआ समर सिंह, जालोर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया, इसकी पुत्री लीलावती का विवाह भीमदित्य के साथ किया गया। उदय सिंह की जानकारी सुंदा माता शिलालेख से मिलती है, 1228 में इल्तुतमिश ने इसके ऊपर असफल आक्रमण किया, इसकी पोती का नाम रूपा देवी था, जिसका विवाह मेवाड़ के शासक जैतर सिंह के
बेटे तेज सिंह के साथ किया गया। इसके बाद चाचिक देव के समय एक भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। और याद रखना, सामंत सिंह के समय बलबन के सेनापति नूर मोहम्मद ने असफल आक्रमण किया था और सामंत सिंह ने अपने जीते जी अपना साम्राज्य किसको सौंप दिया, तो अपने जीते जी अपना साम्राज्य अपने बेटे कानड़ देव चौहान को सौंप दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें बहुत अच्छे से आपको समझ आई हो। आपको कैसी लग रही है क्लासेज, आप कमेंट करके लगातार बताते रहिए, क्योंकि ये याद रखना हमेशा कि हमारे लिए इन ऑनलाइन क्लासेज में क्या है, ऑफलाइन क्लासेज में तो क्या होता है, बच्चे सामने होते हैं, रिएक्शन साफ साफ दिखता है कि स्टूडेंट का रिएक्शन कैसा आ रहा है। ऑनलाइन क्लासेज में वो दिखता नहीं है। तो याद रखना कि हमारा जो मोटिवेशन है वो सिर्फ आपके कमेंट है, आपके लाइक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। जितना ज्यादा करोगे आपके लिए उतने ही अच्छा अच्छा मैटर लेके आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे समय समय पर। लगातार आपकी क्लासेज करवा रहे हैं भाई, समय समय पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये राजस्थान में होने वाली हर भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है क्लासेज, कोई इसके ऊपर विशेष टैग नहीं है कि इसी भर्ती परीक्षा के लिए, राजस्थान में होने वाली हर भर्ती परीक्षा के लिए सम्मान रूप से उपयोगी है ये क्लासेज। तो चलिए अगली क्लास, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। मैंने इन चार शासकों के बारे में बता दिया और अब बात करेंगे जालौर के अंतिम चौहान शासक के बारे में। अगले बिंदु की तरफ चलें, जालौर के चौहान, जालौर के चौहान, और जालौर के चौहानों में अंतिम चौहान शासक पढ़ रहा हूं कौन सा, कानड़ दे चौहान, अंतिम चौहान शासक है कानड़ दे चौहान। का शासनकाल बता रहा हूं 1305 से लेकर 1311, 1305 से लेकर 1311 तक जालौर के चौहान वंश का शासक कौन रहा है, कानड़ दे चौहान रहा है। याद रखना ये कानड़ दे चौहान जालौर के चौहानों का अंतिम व सबसे प्रतापी शासक, जालौर के चौहानों का अंतिम व सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो याद रखना वो कानड़ दे चौहान था। यानी कानड़ दे चौहान जालौर के चौहानों का अंतिम था, सबसे प्रतापी था। और ये जो है ना, ये 1305 से लेकर 1311 तक जालौर का क्या रहा था, शासक रहा था। याद रखना ये काम की बात है। इसके बाद आगे बात करें इस कानड़ दे चौहान के बारे में। अगला बिंदु ये है कि कानड़ दे चौहान की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, कानड़ दे चौहान की जो जानकारी है वो हमें कहां कहां से मिलती है, तो याद रखना एक ग्रंथ का नाम है कानड़ दे प्रबंध, एक ग्रंथ का क्या नाम है, कानड़ दे प्रबंध, और एक ग्रंथ का नाम है वीरमदेव सोनगरारी वात, वीरमदेव सोनगरारी वात और कानड़ देव प्रबंध, इन दोनों ही ग्रंथों के जो रचयिता है ना वो है पद्मनाभ। यानी पद्मनाभ के द्वारा लिखे गए कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी वात। एक मुस्लिम इतिहासकार है जिसका नाम है फरिश्ता, और एक है भाई राजस्थान का इतिहासकार जिसका नाम है मोहनौत नैनसी। ये जो चार मैंने बताए ना आपको स्रोत, ये जालौर के चौहान वंश के बारे में भी और विशेष रूप से किसके बारे में जानकारी देते हैं, कानड़ दे चौहान के बारे में। यही बात बताई मैंने कि जालौर के चौहानों का अंतिम और सबसे प्रतापी शासक कानड़ दे चौहान है, बहुत अच्छी बात है। ये 1305 से 1311 तक शासक रहा और इसकी जानकारी के जो स्रोत है ना वो कानड़ दे प्रबंध, वीरमदेव सोनगरारी वात, दोनों ही ग्रंथ पद्मनाभ के हैं। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता और मोहनौत नैनसी हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं, तो हमें कानड़ दे चौहान के बारे में जानकारी देते हैं। अब आगे बात करेंगे कि इस कानड़ दे चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, तो याद रखना इसके समकालीन जो दिल्ली का शासक था ना वो अलाउद्दीन खिलजी था, जो कानड़ दे चौहान के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस कानड़ दे चौहान के ऊपर आक्रमण क्यों करेगा, उसके क्या रीजन रहे थे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कानड़ दे चौहान के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन करता है तो क्यों करता है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अलग अलग मत हैं
और मैंने जो चार स्रोत बताए हैं इनके अनुसार बताऊंगा सबके अनुसार कि कौन से मत के अनुसार इस आक्रमण का क्या कारण रहा था, क्योंकि मैं कह रहा हूं कानड़ दे चौहान की जानकारी हमें कानड़ दे प्रबंध से मिलती है, वीरमदेव सोनगरारी वाद से मिलती है, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता हमें इसके बारे में बताता है और मोहनोतनैन सी हमें इसके बारे में बताता है। और मैं कह रहा हूं इसके समकालीन दिल्ली का जो राजा है वो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके ऊपर आक्रमण करेगा, लेकिन करेगा क्यों, उसके क्या रीजन रहे, वो सब इन इतिहास इन स्रोतों के अनुसार बताऊंगा कि कौन से स्रोत के अनुसार इस आक्रमण का क्या कारण रहा था। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ आई होंगी। चलिए अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे कि आक्रमण किया जाता है तो क्यों किया जाता है। ध्यान से देखना, एक तरफ तो जालौर का चौहान शासक है कानड़ दे चौहान, एक तरफ तो जालौर का चौहान शासक कौन है, कानड़ दे चौहान, इसी के समकालीन जो दिल्ली का शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी इस कानड़ दे चौहान के ऊपर करता है आक्रमण, कब करेगा, कैसे, क्या रहेगा उस आक्रमण में, सब बात करेंगे, लेकिन पहली बात करेंगे कि आक्रमण किया था तो क्यों किया, उसके कारण क्या रहे। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस कानड़ दे चौहान पर आक्रमण किया तो क्यों किया, उसके कारणों की बात करेंगे। नंबर एक कारण, नंबर एक बता रहा हूं, और ये कारण कौन बता रहा है, कानड़ दे प्रबंध बता रहा है, पद्मनाभ का ग्रंथ है कानड़ दे प्रबंध, ये हमें इस कारण के बारे में बता रहा है। पहला कारण, इस कानड़ दे प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का कानड़ दे चौहान पर आक्रमण करने का क्या कारण था, तो इसने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी सेना एक बार गुजरात अभियान पर जा रही थी। क्या कहा इसने, किस अलाउद्दीन खिलजी की सेना एक बार कहां जा रही थी, गुजरात अभियान पर, और वो जालौर से होकर जा रही थी, लेकिन जालौर की सेना ने उसको वहां से नहीं जाने दिया। अब वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना दूसरे रास्ते से गुजरात चली गई, जालौर होकर जा रही थी, जाने नहीं दिया, तो दूसरे रास्ते से कहां चली गई, गुजरात चली गई। अब वापस आते समय वही अलाउद्दीन खिलजी की सेना धन लूटकर कौन से रास्ते से आ रही है, जालौर के रास्ते से आ रही है। अब वापस ये गुजरात से आ रही है अलाउद्दीन खिलजी की सेना, और कौन से रास्ते से होकर आ रही है, जालौर, और जालौर की सेना के जो दो सेनापति थे उनका नाम था जैता और देवड़ा। ये जालौर की सेना के सेनापति थे जैता और देवड़ा, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ऊपर हमला कर देते हैं और उससे जो गुजरात का धन लूट कर लाए थे वो धन लूट लिया जालौर की सेना के सेनापतियों ने, यानी जैता और देवड़ा ने। अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली चली गई, ये शिकायत जाकर कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी से, और इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ दे चौहान के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। ये नंबर एक कारण कौन बता रहा है, कानड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ का ग्रंथ है, इसने कहा अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी, जाने नहीं दिया, तो दूसरे रास्ते से चली गई, अब धन लूटकर वापस आ रही है तो जालौर से होके आ रही है, और इस बार जब जालौर से वापस आ रहे हैं तो जैता व देवड़ा ने वो धन लूट लिया अलाउद्दीन खिलजी की सेना का, तो अलाउद्दीन खिलजी से जाके शिकायत कर दी और इस वजह से आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर, कानड़ दे चौहान के ऊपर। ये आक्रमण का एक कारण कानड़ दे प्रबंध के अनुसार। नंबर दो कारण बता रहा हूं मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार। दूसरा कारण कौन बता रहा है, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता है, वो दूसरा कारण बता रहा है, और वो क्या कह रहा है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने, ये कारण कौन बता रहा है, फरिश्ता बता रहा है, अन्य उल्ले मुल्क मुल्तानी, अन्य उल्ले मुल्क मुल्तानी, एक ही आदमी को नाम है, अन्य उल्क मुल्क मुल्तानी, इसके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना भेज दी, कहां पर, जालौर, एक सेना कहां भेजी, जालौर, और जालौर का राजा है उन दिनों कौन है, कानड़ दे चौहान, और इस सेना का कानड़ दे चौहान ने कोई विरोध नहीं किया और अधीनता स्वीकार करके ये कानड़ दे चौहान कहां पर आ गया, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आ गया। ये मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता लिख रहा है। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि मध्यकालीन जो इतिहास रहा, जो राजवंशों का जो इतिहास रहा, वो थोड़ा सा इसलिए प्रमाणित नहीं मान सकते कि जो दरबारी जो कवि हुआ करते थे, दरबारी जो इतिहासकार हुआ करते थे, वो ज़्यादातर अपने शासक के पक्ष की बातें लिख के चले गए। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता है, इसने क्या लिख दिया, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है अन उल मुल्क मुल्तानी, इसने जालौर के ऊपर आक्रमण किया और कानड़ दे चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली, और कानड़ दे किसके दरबार में आ गया, अलाउद्दीन खिलजी के। अब कानड़ दे चौहान है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रह रहे हैं। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार में कह दिया, बोला पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं है, क्या कह दिया इसने, बोला पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शासक नहीं है जो मेरे को हरा सके। ये कमेंट कर दिया भाई किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शासक नहीं जो मेरे को हरा सके,
कानड़ देव चौहान को बात अच्छी नहीं लगी और कानड़ देव चौहान ने उसी समय युद्ध की चुनौती देकर वापस जालोर आ गया। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे क्यों आक्रमण किया, इसका दूसरा कारण कौन बता रहा है, फरिश्ता बता रहा है कि मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, कानड़ देव चौहान ने अधीनता स्वीकार की, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आ गया और एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया मेरे को कोई नहीं हरा सकता, यह बात अच्छी नहीं लगी कानड़ देव को और युद्ध की चुनौती देकर वापस जालोर आ गया और इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है सर, हमें फरिश्ता का जो कारण है वो भी अच्छे से समझ आया। अब तीसरा जो कारण बताता है वो अपने एक राजस्थान के हैं, मुहणौते नैणसी। ये मुहणौते नैणसी फरिश्ता को बोला बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुहणौते नैणसी फरिश्ता को क्या बोला, बकवास करने की जरूरत नहीं है, तेरी आधी बात ठीक है लेकिन आधी बात झूठ बोल रहे है तू। बोला आधी कौन सी ठीक है, बोला ये बात ठीक है कि मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर पर एक सेना भेजी गई और जालोर के शासक कानड़दे ने अधीनता भी स्वीकार कर ली। जालोर का शासक कौन है उन दिनों, कानड़दे, इसने अधीनता भी स्वीकार कर ली लेकिन कानड़दे नहीं आया था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, कानड़दे ने अपने बेटे वीरमदेव को भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में और वीरमदेव जी इस दरबार में आया है वहां पे पहले से अलाउद्दीन खिलजी की बेटी रह रही है, कौन है, फिरोजा। ये कौन बता रहा है, मुहणौते नैणसी बता रहा है। मुहणौते नैणसी कह रहा है कि मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी जालोर के ऊपर, कानड़दे ने इसका कोई विरोध नहीं किया और अधीनता स्वीकार कर ली लेकिन दरबार में उपस्थित खुद कानड़दे नहीं हुआ, कानड़दे ने अपने बेटे वीरमदेव को भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में और उसी दरबार में अलाउद्दीन खिलजी की बेटी रहती है, कौन है, फिरोजा। अब वो फिरोजा प्रेम करने लग गई किससे, इस वीरमदेव से। फिरोजा प्रेम करती है वीरमदेव से, जब फिरोजा ने वीरमदेव को प्रपोज किया भी तो वीरमदेव ने मना कर दिया, बोला मैं एक मुस्लिम लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकता और वीरमदेव वहां से भागकर वापस आ जाता है जालोर। फिरोजा ने अपने पिता को कहा मुझे तो वीरमदेव चाहिए जिंदा या मुर्दा। अब याद रखना, देखो ये कुछ बातें बताई गई, यहां ये कारण मुहणौते नैणसी बता रहा है वहां पे विद्रोही सेनापतियों के, तो ये सारा का सारा राजस्थान के जो जितने भी साके हुए ये अलाउद्दीन खिलजी के परिवार की वजह से हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी खुद दूसरों की लुगाइयों के पीछे भाग रहा है, बात कब की है, 1303 की, पद्मनी के पीछे। अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई दूसरों के पीछे भाग रही है, बात है 1301 की, चिमना बानों के संबंध मोहम्मद शाह के साथ। और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा वो राजस्थान के एक राजकुमार के प्यार में पागल है भाई, तो कौन सी जगह पे आक्रमण हो जाता है, जालोर पे। अलाउद्दीन खिलजी के पूरे परिवार ने राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास का नाश कर रखा है अभी। तीन जगह बताई मैंने, 1301, 1303, 1308, 1311, चार बड़े साके, चारों हुए थे अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। लेकिन मैं इन कारणों को निम्न कारण मानता हूं जो मुहणौते नैणसी लिखता है। मैंने इस आक्रमण के आपको कितने कारण बताए हैं, तीन कारण बताए मैंने। बताया भी इस अलाउद्दीन खिलजी के कानड़दे चौहान पे आक्रमण के कारण, कानड़दे प्रबंध कहता है कि गुजरात से वापस आती हुई सेना को जैता व देवड़ा ने लूट लिया, इस वजह से आक्रमण किया। कहता है कि कानड़दे ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, कानड़ अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया मेरे को कोई नहीं है हिंदुस्तान में हराने वाला, ये बात कानड़दे को अच्छी नहीं लगी और युद्ध की चुनौती देके वापस आ गया, इस वजह से आक्रमण किया। मुहणौते नैणसी इस आक्रमण का कारण वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी को मानता है। तो वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी को कारण मानने वाला जो व्यक्ति है वो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाने वाला मुहणौते नैणसी है। मैंने इसका एक उपनाम बता दिया, इसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। एक उपनाम और है, इसे राजस्थान में जनगण गणना का अग्रज कहा जाता है क्योंकि इसने अपना एक ग्रंथ लिखा था मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसमें इसने मारवाड़ के प्रत्येक परगने की जनसंख्या का वर्णन किया था। इस वजह से राजस्थान में जनगणना का अग्रज किसको कह देते हैं, मुहणौते नैणसी। इसने अपनी एक ख्यात लिखी थी जिसका नाम था नैणसिरी ख्यात। पूछ लिया जाए कि नैणसिरी ख्यात में कौन से शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है, तो है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि जैसे ही मुहणौते शब्द लगाते हैं तो उसमें है आ जाता है, इस वजह से इसको मुहणौते नैणसिरी ख्यात नहीं कहते, इसको नैणसिरी ख्यात कहा जाता है। यह मैंने अलाउद्दीन खिलजी के कानड़दे चौहान पर आक्रमण के क्या बताए हैं, कारण बताए हैं। अब बात करेंगे कि कैसे कैसे इसके ऊपर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। आइए बात करते हैं वो आक्रमण किए गए तो कहां पर किए गए। मैं बता रहा हूं जालोर का तो शासक कौन है, कानड़दे चौहान है, और जालोर का शासक कानड़दे चौहान, लेकिन एक दुर्ग है जिसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कौन से दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, तो इससे ठीक पहले एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है सिवाणा दुर्ग।
कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। इस सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं? तो कुंजी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आपको कभी जालोर दुर्ग जीतना है तो उससे पहले जीतना पड़ेगा कौन सा? सिवाना। यानी सिवाना को जीते बिना जालोर दुर्ग जीतना संभव नहीं है। ये बात तो अच्छे से जानता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी भी। ये बात तो अच्छे से कौन जानता है? अलाउद्दीन खिलजी भी जानता है कि मैं जालोर सीधा नहीं जीत सकता, मुझे पहला कौन से जीतना पड़ेगा? सिवाना जीतना पड़ेगा। तो मैंने आक्रमण क्यों किया उसके कारण बताए। अभी अलाउद्दीन खिलजी अपनी एक सेना भेजता है कौन से दुर्ग के ऊपर? सिवाना दुर्ग के ऊपर 1308 में। अब क्या कहेंगे इसे? जालोर दुर्ग पर प्रथम अभियान। इसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि जालोर दुर्ग पर प्रथम अभियान अलाउद्दीन खिलजी का कब था, तो हम क्या कहेंगे? 1308 में था। हालांकि आक्रमण जालोर पे नहीं हुआ है, आक्रमण हुआ है कौन से दुर्ग पे? सिवाना दुर्ग पे। लेकिन फिर भी इसे जालोर दुर्ग का अभियान, क्योंकि जालोर को जीतने के तहत ही उसने यहां पर क्या किया है? आक्रमण किया है। सिवाना दुर्ग का जब भी जिक्र आए ना, तो इससे कुछ बातें याद रख लेना। याद रखना, इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? वीर नारायण पंवार के द्वारा निर्माण। ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी के ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है? हल्देश्वर पहाड़ी। इस सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की, ये काम की बात है, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी और शरण स्थली कौन से दुर्ग को कहते हैं? याद रखना, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और संकटकालीन राजधानी वो सिवाना दुर्ग को। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मारवाड़ के शासकों पे जब भी संकट आता था वो भाग के चले जाते थे सिवाना। तो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और संकटकालीन, ऐसा एक क्वेश्चन मेवाड़ के संबंध में पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली किसे कहते हैं? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग को। मेवाड़ वालों पर जब भी संकट आता था वो कुंभलगढ़ जाते थे, मारवाड़ वालों पर जब भी संकट था वो जाते थे सिवाना। याद कर लो, चंद्रसेन यही गया था, मालदेव यही गया था, शेरशाह सूरी से डरकर भाग के सिवाना में जाके शरण लेता है। कुंभलगढ़ के बारे में याद करें तो जिस दिन उदय सिंह खतरे में था, पन्ना धाई उसे कुंभलगढ़ में ही लेके गई थी। महाराणा प्रताप पे जब संकट आया वो भी कुंभलगढ़ गया था। तो मेवाड़ के शासकों पे जब संकट आया वो कुंभलगढ़ गए, मारवाड़ के शासकों पे जब संकट आया तो वो सिवाना गए। और अलाउद्दीन खिलजी 1308 में किसके नेतृत्व में? तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1308 में सिवाना दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। उन दिनों सिवाना दुर्ग का जो दुर्गपति हुआ करता था वो सातलदेव चौहान। ये सातलदेव चौहान कौन था सरे? तो ये जालोर का जो चौहान शासक है ना, कानड़देव चौहान, इसी का भतीजा लगता था। तो कानड़देव चौहान का भतीजा था सातलदेव चौहान, जो सिवाना में दुर्गपति है। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में किया। किया कब है? 1308 में। और कौन से अभियान के तहत किया है? तो जालोर अभियान के तहत किया है। सिवाना दुर्ग की ये सामान्य बातें मैंने आपको बता दी हैं। वीर नारायण पंवार हल्देश्वर पहाड़ी पर, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी। इस सातलदेव चौहान का एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था भावले। उस सेनापति का नाम क्या था? भावले। ये भी एक विडंबना रही है कि राजस्थान के राजपूताने के शासक जब जब हारे हैं उनके साथ विश्वासघात हुआ है। ये भावले नामक सेनापति है। अलाउद्दीन खिलजी इस भावले के पास गया और अलाउद्दीन खिलजी भावले को बोला कि मुझे सिवाना से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिवाना जीतूंगा और जीत के आपको दे के चला जाऊंगा, मुझे दुर्ग के गुप्त मार्ग बताओ। तो इसने कहा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पहले क्या होता था, दुर्ग के अंदर हम दुर्ग निर्माण के जब उदस्य पढ़ते हैं तो एक उदस्य आता है कि प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, राजकोष की सुरक्षा के लिए, बाहरी आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग बनाए जाते थे। यानी दुर्ग के अंदर, दुर्ग के दरवाजे बंद करने के बाद हम 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल आराम से रह सकते थे। दुर्ग के बिना दरवाजे खोले उसके अंदर इतनी सामग्री उपलब्ध होती थी कि हमें दरवाजे खोलने की नौबत नहीं आती थी। अब भावले ने विश्वासघात किया है, तो भावले ने क्या किया? सिवाना दुर्ग के अंदर एक पानी का कुंड था और उस पानी के कुंड में गोरख मिला दिया। पानी के कुंड में क्या मिला दिया? गोरक्त मिला दिया। अब भाई कोई गाय का खून थोड़ी पिएगा, मजबूरी में सिवाना दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े और कमालुद्दीन गुर्ग के साथ युद्ध करना पड़ा सातलदेव चौहान को। युद्ध करते हुए सातलदेव चौहान वीरगति को प्राप्त, राजा जब युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो उसे केसरिया कहते हैं। इस सातलदेव की पत्नी का नाम था मैणा दे। इस मैणा दे के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया। केसरिया प्लस जौहर की जब घटना होती है ना, तो
वो साका कहलाता है। और सिवाना दुर्ग का साका कब हुआ? 1308 में। साके में तीन बातें जरूर याद रखना, आक्रमण किसने किया, केसरिया किसने किया, जौहर किसने। तो सिवाना दुर्ग का साका 1308 में हुआ है, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, केसरिया सातलदेव चौहान ने, और जौहर किया है सातलदेव चौहान की पत्नी मैणा दे के द्वारा जौहर किया गया। याद रखना कि जौहर इसलिए किया जाता था कि विदेशी राजा दुर्ग की महिलाओं का चरित्र हरण करते थे, इस वजह से क्या वो महिलाएं आग में या जल में कूदकर आत्महत्या कर लेती थी। तो वो जौहर, केसरिया प्लस जौहर, ये साका। सेनापति कौन सा है जिसने विश्वासघात किया? तो भावले नामक सेनापति ने विश्वासघात किया है, पानी के कुंड में गोरक्त मिलाया, और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दुर्ग जीत लिया? सिवाना। इतनी तो ठीक है कि इसने सिवाना दुर्ग जीता, लेकिन सिवाना दुर्ग का गवर्नर तो बना दिया किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया? खैराबाद। ये नाम बदलने वाली बात जरूर याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदला था और क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। गवर्नर किसको बना दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का जालोर दुर्ग पे पहला जो अभियान है वो सफल रहा, और उसने पहले अभियान में सिवाना दुर्ग का पतन कर दिया, सिवाना पे अधिकार करके नाम खैराबाद। ये बातें सिवाना दुर्ग के बारे में जरूर याद रखना। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जालोर दुर्ग के ऊपर दूसरे अभियान की। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, क्योंकि सिवाना को जीते बिना जालोर को जीतना संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया गया। वही स्थिति है, जालोर का जो शासक है उसका नाम है कानड़देव चौहान। जालोर के शासक का नाम है कानड़देव चौहान। दिल्ली का राजा है कौन? है अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है कौन से दुर्ग के ऊपर? सिवाना जीत चुका है ये 1311 में, और इसे हम क्या कहेंगे? दूसरा अभियान कहेंगे। क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर दूसरा अभियान कब भेजा था? तो वो 1311 में भेजा। पहले में तो सिवाना दुर्ग का पतन किया है, ये आक्रमण भी किया गया किसके नेतृत्व में? तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। यहाँ पे कानड़देव चौहान का एक सेनापति जिसका नाम है बीकादैया, कानड़देव चौहान का एक सेनापति है जिसका नाम क्या है? बीकादैया। इस बीकादैया को इस कमालुद्दीन गुर्ग ने अपने तरफ मिला लिया, और बीकादैया ने क्या क्या भाई गुप्त मार्ग जो थे ना दुर्ग के वो बता दिए, यानी दुर्ग के गुप्त मार्ग बीकादैया ने किसको बता दिए? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बता दिए, और चला गया अपने घर पर। बीकादैया गुप्त मार्ग बता के अपने घर पर जाता है, अपनी पत्नी को जाके बोला टेंशन मत ले, सुबह से हम क्या होंगे? जालोर के राजा होंगे, क्योंकि मेरे को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है मुझे जालोर से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जालोर दुर्ग को जीत के ही आपको दे के चला जाऊंगा, मैंने गुप्त मार्ग बता दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, और सुबह से हम जैसे ही वो जीतेगा हम राजा हो जाएंगे। वो पत्नी ये बात सुनती है, और जैसे ही रात के समय बीकादैया सो गया, बीकादैया की पत्नी ने बीकादैया को सोते हुए मार दिया, यानी बीकादैया की पत्नी ने ही मार दिया बीकादैया को, और भाग कर गई किसके पास? कानड़देव चौहान के पास। लेकिन जब तक वो कानड़देव चौहान के पास पहुँचती, कानड़देव चौहान इस कमालुद्दीन गुर्ग के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी इस कानड़देव चौहान ने क्या कर लिया? केसरिया किया। कानड़देव चौहान की पत्नी का नाम था जैतलदे। इस जैतलदे के नेतृत्व में यहां क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है, और यहां पे ये जालोर दुर्ग का साका हो गया केसरिया प्लस जौहर। ये जालोर दुर्ग का साका 1311 में जैतलदे के द्वारा जौहर किया गया, केसरिया किया है कानड़देव ने, विश्वासघात किया है बीकादैया ने, बीकादैया की हत्या उसी की पत्नी ने कर दी थी, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीत लिया, और जालोर को नाम बदल कर क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदला जलालाबाद। इस अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, और उस मस्जिद का नाम वर्तमान में हम उसको खिलजी मस्जिद या तोप मस्जिद कहते हैं, यानी इस जालोर दुर्ग में तोप मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मैंने यहां विश्वासघात करने वालों की बात की कि सिवाना में विश्वासघात भावले ने किया है, जालोर में विश्वासघात किसने किया है? तो बीकादैया ने किया है, रणथंभौर में भी एक दो व्यक्तियों ने विश्वासघात किया था, रणमल और रतिपाल ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को मरवा दिया था, और यह कहते हुए मरवा दिया था कि जो अपने स्वामी के नहीं हो सके वो मेरे क्या होंगे, और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। कानड़देव चौहान जालोर के चौहानों का अंतिम शासक साबित हुआ, और जालोर के चौहान शाखा का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। मैंने आज आपकी आज की जो क्लास है उसमें जालोर के चौहानों के बारे में बात की, जालोर दुर्ग के बारे में, जालोर नाम क्या है, क्यों है, इसके बारे में। जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने, कीर्तिपाल को कित्तु एक महान राजा, सैव धर्म का संरक्षक, जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, फिर मैंने शासक बताया समर सिंह, फिर मैंने बताया उदय सिंह, फिर मैंने चाचिक देव के बारे में बात की, और फिर सामंत सिंह के बारे में। सामंत सिंह ने अपने जीते जी अपना साम्राज्य सौंप दिया था किसको? कानड़देव चौहान को। अब मैंने कानड़देव चौहान
की जितनी भी बातें, उसका संघर्ष रहा, अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्यों रहा, वो सारे कारण मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और हमने अब तक चौहानों में सांबर के, अजमेर के, रणथंभौर के और जालौर, चार जगह के चौहान पढ़ लिए। चौहानों की सामान्य परिचय मैंने बताया था पहली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।